आज सुबह जो संसद भवन पर, संसद भवन के अंदर स्मोक क्रैकर्स के जरिए हमला किया गया था, उस मामले में जिस जो पांचों आरोपी थे वो गुरुग्राम के इस मकान में रुके थे। मैं इस वक्त गुरुग्राम के हाउसिंग बोर्ड इलाके में मौजूद हूँ। ये मकान नंबर 67 है जो कि विवेक शर्मा के नाम पर है और विवेक शर्मा यहाँ पे अपने परिवार के साथ रह रहे थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की जानकारी के अनुसार जो पांचों आरोपी थे वो इस मकान में रुके थे, इसके बाद वो संसद भवन में गए और संसद भवन में स्मोक ट्रैकर के जरिए हमला बोला था। फिलहाल यहाँ पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी, गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुँचे हैं और मामले की तफ्तीश की जा रही है। ये विक्की शर्मा नाम का एक शख्स है, विक्की उर्फ जंगली के नाम से भी इसको जाना जाता है। 70-80 के दशक में, 90 के दशक में जो फौजी गैंग यहाँ पे सक्रिय था उसका भी ये सदस्य बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होनी ज़रूर बाकी है, लेकिन क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आसपास के जो लोग हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन घर के अंदर सिर्फ एक बच्ची मौजूद है जिससे लगातार क्राइम ब्रांच के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर विक्की उर्फ विक्की शर्मा कहाँ है इस वक्त, वो घर पर है या फिर कहाँ पर निकला था। मौके पर जो मौजूद पड़ोसी हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ नाम है आपका? मेरा के आहूजा है। हाँ, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का जनरल सेक्रेटरी। हाँ, हमारे प्रधान जी हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि कौन यहाँ पे शख्स रह रहा था और कितने लंबे समय से यहाँ पे रह रहा था? ये तो हल्का से 10-15 साल से यहीं रह रहा है, इसका अपना मकान है और बच्चों के साथ इसकी वाइफ है, खुद है और बेटी है, तीन ही शख्स रहते हैं इसका। बाकी तो ये लोगों अड़ोस पड़ोस से किसी से इसका कोई मतलब नहीं है। अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो इनपुट आए हैं कि पांच लोग यहाँ पे रुके थे और वो पांचों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक लोग अभी उसमें एक आरोपी फरार है, तो क्या इसका चाल चलन किस तरह का था, अगर कुछ बताना चाहें? आपके पास काफी लंबे समय से आप लोग रह रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के। मैं जनरल सेक्रेटरी 4 साल से हूँ, मुझे पहले से मैं इनको जानता भी नहीं, बट यह है कि इनका घरेलू यहाँ पर रोजाना झगड़ा उगड़ा अपना मियाँ बीवी का, ये अड़ोसी पड़ोसियों से भी झगड़ा बहुत करता रहता है। इसका असली अंदरूनी क्या है नहीं मालूम, अंदरूनी कहाँ क्या करता था, ये क्या काम करता है नहीं पता। हाउसिंग बोर्ड आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं, इनसे जाने की कोशिश करेंगे। सर एक बार इस तरफ आइए आप, जरा एक बार अपना नाम बताइए। क्या विजय कुमार। हाँ, क्या कुछ कहेंगे ये जो शख्स है यहाँ पे विक्की शर्मा, कैसा इसका चाल चलन था, कैसा इस कब से रह रहा है यहाँ पे? ये तो शुरू से रह रहा है, बहुत दिन से, 15 साल से मैं देख रहा हूँ। बाकी इन एलओटी हैं, 89-90 से ही रह रहे हैं, इनका खुद का मकान है। चाल चलन इसका ऐसा है कि दारू पीता है, पड़ोसियों को परेशान करता है, गालियां देता है, पड़ोसी इससे कोई मतलब नहीं रखते, बस ऐसा ही था सिस्टम। तो आपको पता लगा जब ये कि संसद भवन पे इस तरह से हमला हुआ और पांचों लोग यहाँ पे रुके थे, क्या आपने उन लोगों में से किसी को देखा या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि देखी हो? किसी पड़ोसी को नहीं पता, किसी को भी ऐसा कोई बंदा ना हमने देखा कभी संदिग्ध नहीं, इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि, क्योंकि चाल चलन बता रहे हैं कि खराब चाल चलन था, क्या कोई संदिग्ध गतिविधि इस तरह की 4-5 लोग यहाँ पे रुके हों जिसमें एक लड़की भी मौजूद थी? 4-5 लोग यहाँ पे रुके थे जिसमें एक लड़की भी मौजूद थी, क्या इस तरह की आपने नहीं आपने कुछ ऐसी गतिविधि देखी क्या यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों? ऐसा 4-5 दिन में बिल्कुल नहीं, हम लोग एक्चुअली आई एम अनेबल टू वॉक। अच्छा, तो मेरी एक कन्फाइंड वो है, वो मैंने तो ऐसा देखा नहीं है उसको। बाकी घर के सामने रह रहे हैं आप, बिल्कुल कैसा चाल चलन था इसका, कब से रह रहा था ये यहाँ? मैं हम लोग तो बहुत अरसे से रह रहे हैं। नहीं, विक्की यहाँ पे कब से रह रहा था? ये भी होगा मेरा 15 साल से तो हो गई, तो 10-15 साल से यहाँ पे ये रह रहा था। और इसके बाद से जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कहीं ना कहीं हैरान और परेशान कर देने वाली ज़रूर है। अब क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारी यहाँ पे दलबल के साथ पहुँचे हैं, गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। घर में एक बच्ची मौजूद है जिससे लगातार क्राइम ब्रांच के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि विक्की शर्मा, जिसके ऊपर ये संदेह जताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि वो इस सब में शामिल था, वो कहाँ हैं इस वक्त, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।